हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि इसका पहचान क्या होता है। अगर वाक्य दे दिया जाए तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो इन द एंड ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस आर ज्वाइंड, चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ है, ई है, या है, एक्सेट्रा। इसका पहचान यही होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जब वाक्य दिया रहता है तो उसके वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ है, ई है, या है, आदि शब्द लगे होते हैं। सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस रिवील द फीलिंग ऑफ द एंडिंग द वर्क। इसमें कार्य समाप्त हो जाने का फीलिंग्स आता है। From reading the sentences, it seems that the work has just been done. मतलब इसके वाक्यों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जो कार्य है अभी अभी समाप्त हुआ है। यानी इसका अर्थ यही हुआ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें कार्य समाप्त हो गया होता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसका चलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस जान लेते हैं, इसके रूल्स के बारे में जानते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका जो मेन रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब चलिए जानते हैं आगे कि किसके साथ हैज लगता है और किसके साथ हैव लगता है। इसमें रूल है विथ ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट हैज यूज हैज एंड आई यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट यूज हैव एंड आल्सो ज्वाइंस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही सी इट कोई नाम हो गया तो उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है जो बहुवचन करता होता है उसके जैसे कि आई यू वी दे उसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। पहला है आपका एग्जांपल, वह घर पहुंच चुका है। या देखिए चुका है, मैंने पहचान जैसा कि मैंने ऊपर पहचान बताया था कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ है, ई है, या है, आज शब्द लगे होते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए चुका है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये या देखिए वह, यानी कि जो वह है ही वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। तो ही हैज रीच्ड होम, यहाँ पे रीच का जो थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड होता है, तो ही हैज रीच्ड होम। दूसरा है आपका, मैं यह मकान खरीद चुका हूँ। आई हैव बॉट दिस हाउस, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। यहाँ पे देखिए दी है, ई है ना, तो ई है जैसा कि मैंने पहचान में बताया था, ई है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे देखिए यू है, तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू हैव ब्रोकन हर प्लेट। चौथा है आपका, उन्होंने अपने सब पाठ याद कर लिए हैं, तो दे हैव लर्न ऑल देयर लेसन्स। फिर पांचवा है आपका, मैंने तुम्हारी किताब मेज पर रख दी है। आई हैव केप्ट योर बुक ऑन द टेबल। छठवा है आपका, मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं हम, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। जैसा कि मैंने पूरा इसी जो मैंने रूल बताया, मेन रूल, इसी के अनुसार मैंने पूरा सेंटेंस बना दिया है। यहाँ पे बस ये याद रखिए कि यहाँ पे जो है वो किसके साथ हैज लगता है और किसके साथ हैव लगता है, और इसमें जितना भी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसे पूरा जितना भी कोई भी सेंटेंस हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे
इंटरगेटिव निगेटिव हो, चाहे इंटरगेटिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो दूसरा है निगेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल होता है सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट एंड डब्ल्यू, मतलब नॉट या नेवर, जो निगेटिव वर्ड होता है नॉट या नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव रखता है, फिर उसके बाद हम नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब विद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैंने तुम्हारे भाई को कहीं नहीं देखा है। यहाँ पे देखिए निगेटिव वर्ड नहीं आया है, यानी कि ये निगेटिव सेंटेंसेस है। तो हम कैसे बनाएंगे, आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर एनी वेयर। दूसरा देखिए गीता ने मोहिनी को फोन नहीं किया है। यहाँ देखिए नहीं आया है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, और ये गीता आपका सब्जेक्ट हो गया, मोहिनी को यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो फोन करना आपका वर्ब हो गया, और या है तो उसका पहचान जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, गीता हैज नॉट फोन्ड मोहिनी। गुरु जी आज हम लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाए हैं। तो इसका सेंटेंस द टीचर हैज नॉट टॉट अस इंग्लिश टूडे। चौथा आपका पिताजी ने तुम्हें घर जाने को नहीं कहा है। फादर हैज नॉट सेड यू टू गो होम। पांचवा है आपका बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। तो द कारपेंटर हैज नॉट मेड द चेयर। यहाँ पे वर्ब विद थर्ड फॉर्म लगा है, यानी कि जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे वर्ब विद थर्ड का हमेशा यूज करते हैं इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। छठवां है आपका उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स। सातवां है आपका मैंने आज अपने भाई को 200 रुपये नहीं दिया है। तो आई हैव नॉट गिवेन माई ब्रदर 200 रुपीज टूडे। तो ये आपका एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया। तो ये ही होता है इसका निगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा है आपका इंटरगेटिव सेंटेंस होता है, बाद में हम लोग इंटरगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे। तो इसका रूल होता है, देखिए जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हम लोग इस रूल के माध्यम से बनाते हैं। पहले लगाते हैं हैज या हैव, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आपका दूसरा रूल है जब जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे वेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, ये भी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जब वाक्य के बीच में हो तो हम लोग इस रूल के माध्यम से लगाते हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर हैज या हैव लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क लगाना जो इंटरगेटिव सेंटेंस होता है, ये क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। क्या तुम अभी अभी आए हो। यहाँ देखिए जो क्या है वो वाक्य के पहले, ये पूरा जो वाक्य है इसके पहले जो अगर ये बीच में होता तो हम इस रूल से बनाते, लेकिन ये जब ये क्या है ये वाक्य के प्रारंभ में है तो इसलिए हम लोग पहले वाले रूल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका तुम, तो इसके अनुसार हम लोग हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हैव यू कम हियर जस्ट नाउ। तो यहाँ देखिए मैंने कम लगाया है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कम का, कम ही होता है, कम केम कम। दूसरा है आपका क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, हैज ही सोल्ड हिज काउ। तीसरा है आपका लड़का कहाँ भाग गया है, तो वेयर हैज द बॉय रन अवे। चौथा है आपका उन्होंने इसे कैसे किया है, हाउ हैव दे डन दिस। पांचवा है आपका कौन अपनी पुस्तक लाया है, हु हैज बॉट हिज बुक।
आज यहाँ कितने लड़के आए हैं? How many boys have come here today? सातवां है आपका, क्या संजना ने अपनी माँ से बात की है? Has Sanjana talked to her mother? तो ये आपका हो गया इंटरगेटिव सेंटेंसेस। ये बहुत आसान है इस रूल के, अगर ये रूल आप याद कर लेंगे जो रूल मैंने बताया है तो आसानी से आप बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें वर्ब भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और जो 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 सब्जेक्ट लगता है उसमें कहाँ हैज लगता है और कहाँ हैव लगता है। चलिए हम चौथा सेंटेंस देखते हैं। जो चौथा सेंटेंस है आपका इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, इसका पहला रूल होता है हैज या हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा आपका क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर, यहाँ पे देखिए मैंने NW लिखा है जो इसका अर्थ होता है निगेटिव वर्ड जो नॉट या नेवर होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारा भाई अब तक क्यों नहीं आया है? यहाँ पे देखिए क्यों नहीं आया है, क्यों यानी कि इंटरगेटिव हो गया, नहीं यानी निगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। या है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तुम्हारा भाई यानी कि सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हम वाक्य कैसे बनाएंगे, वाई हैज योर ब्रदर हैज नॉट कम हियर टिल नाउ। दूसरा है क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है, यहाँ पे देखिए क्या वाक्य के प्रारंभ में आया है और नहीं यानी ये इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस हो गया और ये पहले रूल के माध्यम से बनेगा क्योंकि ये क्या जो ये पूरा वाक्य है उसके प्रारंभ में है, तो कैसे बनेगा हैव आई नॉट कॉट ए थिप। यहाँ पे जस्ट मैंने इस रूल के अनुसार ही बनाया है, देखिए मैंने सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगाया है, ये आई है तो यहाँ पे हैव लगाया है मैंने, फिर उसके बाद नॉट या नेवर लगता है तो यहाँ पे नहीं है ओनली इसलिए यहाँ पे नॉट लगा है, फिर वर्ब पे थर्ड फॉर्म लगाया है मैंने कॉट, यहाँ ऑब्जेक्ट लगाया है ये थिप, कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं है तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, देखिए हमारा पूरा वाक्य बन गया। तीसरा है आपका तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है, वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक। चौथा है आपका धोबी ने गंदे कपड़े अब तक क्यों नहीं धोया है, वाई हैज द वॉशरमैन नॉट वॉश्ड डर्टी क्लोथ टिल नाउ। पांचवा है आपका क्या बहुत से विद्यार्थियों ने लाल किला नहीं देखा है, तो हैव मेनी स्टूडेंट्स नॉट सीन रेड फोर्ट। छठवां है आपका तुमने आज कितने चित्र नहीं खींचे हो, तो हाउ मेनी पिक्चर्स हैव यू नॉट ड्रॉन टुडे। सातवां है आपका कितने अतिथियों ने खाना नहीं खाया है, यहाँ पे देखिए कितने अतिथियों ने स्वयं ये सब्जेक्ट के रूप में है तो वह कैसे बनेगा, हाउ मेनी गेस्ट्स हैव नॉट ईटन। यहाँ पे देखिए मैंने जो ये कुछ जो क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन को अपने साथ ही रखते हैं, तो कितने अतिथियों ने, यहाँ पे देखिए जो ये नाउन है अतिथि जो गेस्ट्स है उसको अपने साथ ही रखा था, हाउ मेनी गेस्ट्स हैव नॉट ईटन। तो आज मैंने ये पूरा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसको कवर कर लिया, देखिए जो चारों सेंटेंस होता है मैंने अच्छी तरह से इसको पढ़ा दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।